क्या आप भी एक डिजिटल मार्केटर हो या फिर इंटरनेट पर मार्केटिंग कर रहे हो? क्या आप अब भी पुराने तरीकों के साथ मार्केटिंग कर रहे हो? क्या आपको भी नहीं पता कि ऐसे कौन से नए ट्रेंड्स हैं जिसके कारण आप अपनी मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हो? सो आज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2021 के डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड के बारे में, जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसको ग्रोथ कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी वो सटना एंड वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44 में। सो अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो और मोर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, सो उसके लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि मार्केट में ऐसे कौन से न्यू ट्रेंड चल रहे हैं जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। सो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है। आजकल लोगों का इंटरेस्ट अगर हम देखें तो लोगों का इंटरेस्ट होता है साउंड में, वीडियो में, मोशंस में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। सो अगर हम लोगों के इंटरेस्ट की बात करें तो हमें भी अपने बिजनेस को उन्हीं के इंटरेस्ट के साथ बढ़ाना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पॉइंट बनता है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के बारे में। सो आप लोगों को पता है कि आजकल रील्स का जमाना है, आजकल लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, यूट्यूब रील्स देखते हैं। सो उस केस पे अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो एज अ शॉर्ट वीडियो के साथ, सो उससे आप जल्दी से अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आजकल शॉर्ट वीडियो देखते हैं, ज्यादा समय अपना इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं जो कि शॉर्ट वीडियो में हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते। सो लोग उस चीज को ज्यादा देखते हैं। सो उसी में सबसे बेस्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करें और उसको पोस्ट करें, प्रॉपरली उनको इंफॉर्मेशन दें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके कारण वो अवेयर होंगे और आपके साथ और आपके इस प्रोडक्ट की तरफ उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, राइट? सो सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। जैसे हमें पता है कि लोग आजकल ऐसे कुछ नहीं खरीदते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उससे पहले उसका ब्रांड जरूर चेक करते हैं, ये किस कंपनी का है, इसका ब्रांड क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। सो उसी तरह से अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या फिर इंटरनेट पर मार्केटिंग कर रहे हो, सो सबसे पहले आपको अपना कोई ब्रांड का प्रमोशन करना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो किसी ब्रांड का है, वो किसी कंपनी का है, राइट? सो विदाउट नेम, विदाउट ब्रांड अगर आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे तो लोग उसको फ्रॉड मानेंगे। सो अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में जहाँ हम सबसे ज्यादा सेल और परचेज करते हैं, लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, सो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं, जिनके कारण लोग जल्दी से इंटरनेट मार्केटिंग के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रांडिंग यानी कि अपने प्रोडक्ट का ब्रांड चूज करना होगा, उसको कुछ नाम देना होगा और उसकी प्रमोशन करनी होगी, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। सो थर्ड हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है वॉइस बेस्ड एसईओ। सो आजकल आप लोगों ने काफी देखा होगा कि लोग जब कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट से तो वो वॉइस के साथ करते हैं। सो उसके लिए आपको भी प्रोडक्ट की वॉइस बेस्ड एसईओ करनी चाहिए, ताकि लोग आपके साथ जल्दी से जुड़ सके, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीडियो मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि आजकल लोगों ने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन किस में कन्वर्ट कर दिया, वीडियो में कन्वर्ट कर दी है। उन्हें किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वीडियोस को ही देख, लोग शॉर्ट वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि उन्हें जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो आप अगर अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहते हैं, न्यू ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करनी होगी। आप अपने प्रोडक्ट्स की शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करें, उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, ताकि लोग इजीली समझ सके कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। सो उस प्रोडक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से यूज करना है, अगर आप ये सब चीजें वीडियोस में बताएंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है जरूर सेल होगा, उसकी प्रमोशन जरूर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये क्या होती है। यहाँ पे आप लोग जब भी इंटरनेट पर किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हो, सो आप एक मैसेज सेंड करते हो तो आपको क्विक उसका रिस्पांस आ जाता है। फेसबुक पे आप लोगों ने काफी टाइम पे देखा होगा, जब आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो तो आपको जल्दी से वहां से रिस्पांस आ जाता है। सो ये क्या होता है, ये होता है चैटबॉट।
जिसमें आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके कारण वो आपको क्विकली उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो चैटबॉट क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे कि चैटबॉट आखिर होता क्या है और इस पे आप किस तरह से काम कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, आप उसको क्विकली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, वो कस्टमर किसी और जगह पर चला जाता है। सो अगर उसको क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो फर्दर उसके बारे में क्वेरी जरूर करेगा, राइट। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है चैटबॉट का। सो इसको भी ट्राई जरूर करिए अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की, अपने बिजनेस के प्रमोशन करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल मैप के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पर जरूर रजिस्टर करवाएं, क्योंकि आजकल लोग गूगल मैप की हेल्प से काफी कुछ सर्च करते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को वहां पर रजिस्टर करवाया होगा तो लोग आपको भी जरूर सर्च करें, तो आपके जो बिजनेस है वो सर्च रिजल्ट में जरूर आएगा, राइट। सो ये थे कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टिप्स जिसके कारण आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।